हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे भैया को? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर पहले सब्सक्राइब करो, प्रेस बेल आइकन। तो यार आज जो है ना, हम लोग जाने लगे हैं। सुबह सुबह का तकरीबन टाइम हो गए, 6 बजे हैं। तो अभी हम निकलते हैं डेरे पे। तो आज ना खेतों के अंदर खाद डालनी है, फर्टिलाइज़र। तो उसको पहले ट्रॉली के ऊपर लोड करते हैं, फिर सल्फर है उसको लोड करते हैं, और फिर जाते हैं रोई के अंदर जहाँ हमारे खेत हैं सारे। तो अगेन उसके मैंने एक पहले भी एक व्लॉग बनाया था, फील्ड ऑन फर्टिलाइज़र। दोबारा से उसके अंदर जो है ना, अगेन फर्टिलाइज़र डालनी है। तो उसका दोबारा से एक व्लॉग बनाता हूँ मैं। चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, क्या करना है क्या नहीं। तो सुबह सुबह का टाइम है, बाहर ठंड 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 सी हुई भी है। तो अभी निकलता हूँ, आपको भी बाहर का मौसम दिखाता हूँ गाँव का। तो चलो अभी हम चलते हैं। गाइस, सुबह सुबह का मौसम चेक करो ज़रा, क्या कमाल का मौसम है यार। ओस पड़ी हुई है शबनम, इधर सूरज अभी निकलना शुरू हो रहा है, ये देखो। वाह, इतना हसीन मौसम, इतना हसीन व्यू गांव के अंदर ही मिल सकता है भाई। बहुत ही मज़े का व्यू है यार, दिल खुश हो जाता है सुबह सुबह उठ के ना, फ्रेश हो जाता है बंदा। गाइस, यहाँ से जो है ना, ये खाद हमारे गोदाम में है। तो इधर से उठा कर ये ट्राली के ऊपर डाल दी जा रही है, इधर से लोड करके जो अपनी फील्ड है, फील्ड में लेके जानी है खेतों में। तो ये सारी खाद जो है ना, यहाँ से लोड कर ली है इसके ऊपर। अब तो अभी से जैसे ये लोड होती है ना, तो उसके बाद यहाँ से फिर जो है ना, मैं ले कर निकलूँगा। ये सारे भाई जो है ना, ये सभी जा रहे हैं खाद डालने के लिए, ठीक है। और ये जो बंदा खड़ा है ना पीछे, वाइट चादर वाला, इसका नाम भी आशिर ही है। इसका नाम भी आशिर है, मेरा नाम भी आशिर है, ठीक है। तो अभी जो है ना, ये सारे भाई जो है ना, ये जो है खाद, ये झोली दिखाएं, इस झोली के अंदर जो है ना खाद डाल डाल के, ठीक है। तो पैलियों के अंदर डालेंगे, फील्ड के अंदर उन्होंने भी पकड़ी, सब ने अपनी अपनी झोली बना ली है। तो अब हम निकल लेंगे ट्रैक्टर के ऊपर, तो उधर जाकर जो है ना खाद डालेंगे। इधर जो है ये खाद उतार दी है, आधी खाद इधर उतारी जाएगी और आधी जो है ना वो ठेले पर लेके जाऊंगा दोबारा से, ठीक है। तो अभी इन्होंने जो है ना, ये कुछ जो इधर किलो के अंदर डलनी है ना फसल में, वो इन्होंने उतार ली है। तो बाकी जो है ना उधर डेरे पे जाएगी। लोग सारे जो है इसके अंदर भर रहे हैं, इसके अंदर भर के तो फिर आगे जो है ना ले, आगे भी आदमी लगे हुए हैं उनको दे दे के आ रहे हैं। तो गाइस, ये जो है ना इसके अंदर उधर से खाद ला ला के और इधर डाल रहे हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो गाइस, आज ना थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। हम लोग पता करने लगे हैं, सफदर ना पट्ठे काट रहा है उधर, ठीक है। तो उसके साथ ना हम लोग एक प्रैंक करने वाले हैं, स्नेक प्रैंक, सांप वाला। तो ये जो टायर है ना, इसको हम काट के ना बीच में से, तो सफदर जब चारा काट रहा है ना उसके बीच में रख देंगे, ठीक है। सफदर चारा काटते काटते जब आगे जाएगा ना, देख के एकदम भाग जाएगा, देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है देख के सांप। तो बिलावल, आपने पता है करना है, मैं सफदर के साथ चारा काटने लग जाऊंगा, आपने पीछे कैमरा पकड़ के खड़े हो जाना है। और जैसे सफदर टायर के पास पहुंचेगा ना, तो वो उसका आपने पूरा क्लिप ले लेना, क्लिप ले लेना है कि क्या उसका रिएक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या सीन है, चलो चलो चले। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखते हैं सफदर के साथ ना प्रैंक करते हैं जल्दी। गाइस, ये जो है ना तार, इसके टायर को ना काट रहा हूँ, काट के ना ताकि ऐसा लंबा हो जाएगा ना, तो सही लगेगा सांप बैठा हुआ है।
तो इसके अंदर ना तार आ गई है, तो तार को ना तार नहीं कट रही, ये तार है बीच में, इस तो तार को ना थोड़ा सा तोड़ने हैं हम लोग ताकि ये कट जाए जल्दी से। ये देखें अब लग रहा है ना सांप, गाइस बताओ इसको लंबा मैंने काट दिया ऐसे करके, ये दिखाओ, तो अब लग रहा है कि सांप है। तो सफदर के साथ ना करते हैं प्रैंक, तो देखते हैं सफदर का क्या रिएक्शन है। देखें आशीर भाई इसके अंदर पट्ठों के अंदर रख रहे हैं टायर को ना, छुपा के रखते हैं इसके अंदर ताकि ना सफदर को पता ना लगे कि इसके अंदर ना टायर है। तो गाइस देखने में भी सांप ही लग रहा है लंबा सा, तो ऐसे करके इसके अंदर इसको छुपा देते हैं। चलो अब सफदर को बुलाते हैं। मैं छुप के बैठा हुआ हूँ और ये सफदर वहीं पे खड़ा हुआ है जहाँ पे सांप है। ये सफदर अब वहाँ पे पट्ठा काटेगा। तो गाइस वो देखें सफदर वहीं पे पट्ठे काट रहा है जहाँ पे हमने टायर रखा हुआ है। अब देखते हैं सफदर का रिएक्शन। मैं छुप के बैठा हुआ हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ पीछे से। वो देखें सफदर को टायर रखा हुआ था। गाइस सफदर का फेस देख त्राकड़ा छड़ी मेरा फेस क्यों है तो टायर हमने बीच में रखा था कि सफदर को लगा सांप, सफदर उठ के पीछे भाग गया, सांप सांप प्रैंक हो गया सफदर के साथ। सफदर क्या हुआ त्राकड़ा छड़ी मेरा फेस मैं टाला दे चमार के बैठा सांप। गाइस सफदर के साथ तो हो गया प्रैंक, ठीक है मजा आया, छोटा सा प्रैंक हुआ लेकिन सफदर का ना एक सफदर क्या हुआ था क्या हुआ था ड्रामा किया तुम लोगों ने मेरे साथ कहता है मेरे साथ ड्रामा कर दिया तुम लोगों ने, हमने टायर रख दिया तो बाकी डर गया कि सांप है। गाइस के साथ प्रैंक हो गया सफदर के साथ। चलो यार अपना अपना काम खत्म करते हैं, प्रैंक हो गया वैसे तो, अब चलो अपना काम करते हैं। तो गाइस फर्टिलाइजर यानी खाद जो है वो सारी बिखर गई है फसल के अंदर, सारी फसल में बिखेर दी है। अब वो सारे चले गए हैं, लेबर चली गई है, वो जा रहे हैं। तो अब जो है ना हम सिर्फ ये पट्ठे उठा रहे हैं, ट्राली पे लोड कर रहे हैं और हमने भी वापस डेरे पे। तो गाइस हम लोग डेरे पे आ गए, आके हमने जो है ना सारा अपना काम वगैरह रोई में से ख़त्म करा है, फसलों में से वो लग गई है क्या कहते हैं उसको, खाद वगैरह बिखर गई तो पट्ठे भी काट लिए। आप बहुत ही ज़्यादा थक गए हो, मेरी आंखों में आपको नींद नज़र आ रही होगी, मैं सुबह 5 बजे का जाग रहा हूँ तो मुझे ना बहुत ही सख्त नींद आ रही है अब इस टाइम, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा। बिलावल भी थक गया है, ठीक है नहीं, है? नहीं थके यार, देखो बिलावल कह रहा है 9 बजे बिलावल 9 बजे आया, ठीक है ये बिलावल नहीं थका, मैं थक गया हूँ। तो सफदर जो है ये अब थोड़ी सी ये सरसों काट रहा है, ये भी भैंसों के उसमें काट चारे में जाना वो कुतरेंगे जी। सफदर भाई ओ ये देखो सरसों के फूल भाई, ये बहुत ही मजे के फूल होते हैं यार, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये देखो। चाय देने तो अंदर आओ, क्या कह रहे हो? चाय देने तो अंदर। बिलावल कह रहा है खा लो। ये देखो कितना मजे का फूल है यार, ये बहुत ही प्यारा लगता है। आज सफदर क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, दलील कर दिया तूने मेरे को। मैंने कैसे किया? कैसे किया? डर के पट्ठे बाट उठे। सफदर कहते हैं वहाँ टायर रख के और मुझे ऊपर से कहते हैं पट्ठे काटो, वहाँ से सांप रख दिया। सफदर बाकी सही सीरियस बताए, डर गया था टोर की? सफदर के साथ आज प्रैंक हो गया है बहुत मजे का। सफदर उठ के भाग गया, सांप सांप सांप, सफदर की आवाज ही नहीं निकले, मैं किधर है सांप, आगे गया था टायर पड़ा था। भाई सफदर को काम करने देते हैं, हम जल्दी से अपना काम खत्म करें, तो सफदर अपना काम खत्म करे तो हम चलें घर। तो आज का व्लॉग गाइज मैं इधर ही एंड करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। नहीं अच्छा तो नहीं लगा, गजब बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती है। तो आप भी बोलो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, ग्रो करो चैनल को, शेयर करो। तो आज का व्लॉग जो है मैं आज इधर ही एंड करता हूँ।
ताकि भाई जल्दी जल्दी व्लॉग आपको रोजाना अच्छे से अच्छा व्लॉग दिखाऊं। तो आज का व्लॉग जो है मैं इधर ही एंड करता हूँ, मैं जाके सोने लगा हूँ। खुश रहो, खुशहाल रहो। ओके, अल्लाह हाफिज़।